सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू व्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सवेरे के 5:20 एंड मैं निकल चुका हूँ दार्जिलिंग के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मोटो व्लॉगिंग मोड में आ चुके हैं एंड आज राइड करते हुए एकदम अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट किया है मैंने। आज थोड़ा भी लेट नहीं किया है, वैसे तो 5 निकलने का टाइम था लेकिन अंधेरा बहुत था तो 10 रुक के ही निकला हो। एंड तो अभी नहा धोवा के एकदम सेट हूँ दार्जिलिंग जाने के लिए। दार्जिलिंग चलते हैं एंड अभी तो देख ही पा रहे आप, उतना उजाला नहीं हुआ है, मतलब उजाला हो रहा है एंड सनराइज़ भी नहीं हुआ अभी। तो जैसे सनराइज़ होता है मैं फिर से वापस आऊँगा क्योंकि अभी अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ से जैसे मैं सुकना पहुँचूँगा एंड फ्यूल अप करूँगा तब तक जो है सनराइज़ हो जाएगा। तो फ्यूल अप करके थोड़ा सा बैठेंगे कहीं पे, हुआ तो एक कप चाय पियेंगे एंड चाय पीते पीते उजाला हो जाएगा। फिर जो है उजाला होने के बाद अपना राइड कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे कहीं पर मिलता फ्यूल अप करके। टिल देन आज के व्लॉग में जो है एकदम बने रही है चैनल पर। जो भी नए है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जे मेरे चैनल दीपू ब्लॉग को, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं कहीं पे आगे। सो SIT पहुंच चुके हैं, इस वाले भारत के पेट्रोल पंप में ले लेते फ्यूल। कोई है या नहीं यहाँ पे? तो ये पतले वाले ग्लव्स ही लगा के चल रहा हूँ अभी। राइनॉक्स वाले ग्लव्स टैंक बैग में पीछे रखा हुआ है मैंने। चलिए चलते हैं। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल हरे हरे चाय के बगान, मतलब नए नए पत्ते जो निकले ऊपर एकदम लाइट ग्रीन कलर के, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला चीज़। एंड अब जो है प्रॉपर सनराइज हो चुका है क्योंकि लाल लाल इधर दिखाई दे रहा है। फिर लीजिए, ये पहुंच गए हम सुकना टोल गेट। बाइक को फ्री कर दिया है शायद, पहले तो लेते थे 10 या 15 रुपये। चलो जो भी हो, थैंक यू आप जो अंदर बैठे थे वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए। ये लीजिए, पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं एंड अब जो है उजाला पूरा ही हो चुका है। अमेजिंग यार, मजा आ रहा है राइड में आज। दी।
वो देखिए सनराइज यार, इतना खूबसूरत दिख रहा है वो रहा सन, एकदम ऑरेंज कलर का। आगे रुक के दिखा दो यार, एकदम भयानक सा व्यू है, भयानक। तो ये आगे है आई लव कर्शन का बोर्ड, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं व्यू देखने के लिए। यार बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, ऐसे कैम में ये सनराइज नहीं दिखेगा, फोन में स्विच करता हूँ। क्या नज़ारा, व्यू देखने के बाद जो है हम निकले हैं यहाँ पे एंड पहुँच चुके कर्शंग। वाह, कर्शंग में नया गेट लग गया है, कर्शंग गेट। अच्छा लग रहा है ये लाइट वाला, रात को भी कर्शंग लिखा हुआ एकदम साफ दिखेगा। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कर्शंग टाउन। सो कर्शंग टाउन एंड यह है कर्शंग का स्टेशन ऑन माई लेफ्ट। कर चुके हैं, निकल चुके हैं आगे सोनाडा से लग। ओए ओए ओए, देखते हैं, यही चीज़ का डर लगता है मुझको, ये ऐसे दौड़ के आते ना, सच में बोलता हूँ मिनी हार्ट अटैक एकदम। छोड़िए यार, ये कुत्तों के वजह से बहुत डर लगता है मुझको, स्ट्रीट डॉग बाइक के पीछे दौड़ते ऐसे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सोनाडा भी छोड़ के आए पीछे एंड राइट जो है मस्त चल रहा है। दार्जिलिंग मोर 19 किलोमीटर्स आई गेस, और 40 मिनट पकड़िए यहाँ से। बहुत ही मज़ा आ रहा है राइड में, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एकदम कम है।
दार्जिलिंग में पहले हम जाएंगे महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा, जो कि मेन मोटिव है, उसी के लिए जा रहा हूँ, पूजा ही करने जा रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद पूजा करके चौरास्ता में कुछ नाश्ता पानी, उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे आसपास में चौरास्ता में, और फिर बैक, ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ पे जाके प्लान करेंगे ज़्यादा कुछ करना है या नहीं। पहले तो मेन मोटिव है पूजा करना है। रोड पे पानी गिरा हुआ है क्योंकि टैंकर्स पानी लेके जाते हैं। अगर आपको पता नहीं है, दार्जिलिंग में जो है वाटर स्कैसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे देखिए टैंकी में लेके मतलब दूर से पहले धारा से टैंक में लेते हैं 1000 लीटर के या बड़े बड़े टैंकर्स में, एंड फिर दार्जिलिंग टाउन में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होटल्स में घर्स में, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे, ऑन अ चार्जेबल बेसिस, फ्री पे नहीं। तो ये हम घूम पा चुके हैं। तो यहाँ से राइट की तरफ अगर ऊपर जाएंगे तो दिस इज़ द वे टू टाइगर हिल, अगर नीचे जाएंगे तो दिस इज़ गैंगटॉक टूअस, नहीं गैंगटॉक नहीं, टूअस तीस्ता बाज़ार, ये जो नीचे गया, फिर वो तीस्ता बाज़ार से आप या तो सिलीगुड़ी आ सकते हैं या तो गैंगटॉक जा सकते हैं। मॉर्निंग में रश होता है यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि सनराइज़ देखने वाले पूरे गाड़ी मतलब एकदम जाम लगे रहते हैं। अब स्लो ही चलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जगह ही नहीं है स्पीड करने का, तो ऑब्वियसली स्लो ही चलना पड़ेगा। तो ये है घूम स्टेशन, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड या इंडिया का? इंडिया हाईएस्ट, वर्ल्ड का तो तिब्बत में है। घूम, ब्यूटीफुल स्टेशन यार, इतने दिन मतलब हो चुके हैं, जगह पे आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन एक भी दिन ऐसा मौका नहीं मिला कि इस दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में चढ़ पाऊँ। दार्जिलिंग आता हूँ और कभी भी ऐसा मौका नहीं बन पाया, एंड घर के पास होने के वजह से मतलब बोलते हैं हाँ पास ही तो है, चढ़ लेंगे कभी भी, लेकिन अभी तक इस दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का मैंने राइड नहीं लिया। किसी दिन अब डेडिकेटेड मतलब इसी के लिए आना पड़ेगा। उस दिन शेयरिंग टैक्सी में आएंगे, एंड देन जो ट्रेन यहाँ से सिलीगुड़ी जाएगा उसमें बैठ के यहाँ से जाएंगे। यहाँ से फिर यार इतना लंबा जाम किस चीज़ का लगा हुआ है। तो ये लीजिए, पहुंच गए हम दार्जिलिंग स्टेशन। स्टेशन अब स्टेशन से किधर जाना है रे भाई, खूबसूरत सा दार्जिलिंग स्टेशन, देखिए कई सारे टॉय ट्रेन लगे हुए, देखिए इस तरफ देखिए स्टीम निकल रहा है, ये रहा, वाह 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 कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड ये है स्टेशन, 6812 फीट में टॉय ट्रेन सब लगे हुए यहाँ पे, मालगाड़ी भी है छोटा सा।
सो फाइनली यार पहुंच चुका हूँ महाकाल मंदिर में। गूगल मैप ने कहाँ कहाँ से रास्ता दिखाया पूरा दार्जिलिंग घुमाते हुए महाकाल मंदिर के पार्किंग में, जो कि नीचे है या कहाँ पे पता नहीं, अभी ऊपर जाऊँगा तो पता लगेगा। एंड इस बार जो है बाइक रखा है मैंने पार्किंग में महाकाल मंदिर का। लास्ट टाइम आया था तो चौरस्ता में रखा था, तो मैंने सोचा वहीं पर इस बार भी रखूँगा, लेकिन गूगल ने कहाँ कहाँ से घुसाया, पहुँच गया महाकाल मंदिर के पार्किंग में। तो चलिए अभी चलते हैं महाकाल मंदिर में, पूजा करते पहले। अच्छा सा नेचर है यहाँ पे, घंटी का, चैंटिंग्स बेल का, और ये बर्ड्स वगैरह का साउंड आप सुन ही पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। तो अभी पूजा हो चुका है एंड टीका विका लगा लिया मैंने। पूजा करके बहुत ही एक आत्मा को शांति मिलता है। तो महाकाल मंदिर बहुत दिनों से सोचा था आऊँगा, आगे भी महाकाल जी का कृपा रहा तो यहाँ पे आते रहेंगे एंड महाकाल जी को पूजते रहेंगे। सो हर हर महादेव। तो पूजा तो हो चुका है एंड अभी महाकाल मंदिर से निकल रहा हूँ एंड यहाँ से निकल के चलते अभी चौरस्ता में। चौरस्ता के पार्किंग में लगाते हैं बाइक एंड इस बार लोगों को पूछ के जाएंगे, गूगल मैप देख के नहीं जाना है भाई, कहाँ कहाँ घुसा रहा है गूगल मैप। एंड ये पीछे का रास्ता बहुत ही अच्छा है महाकाल मंदिर का, तो यहाँ पर ही मैं सजेस्ट करूँगा कि महाकाल मंदिर आते तो इसी वाले पार्किंग में लगाइए। अगर आप चौरस्ता में लगाएंगे तो वहाँ से बहुत सा चल के आना पड़ेगा आपको, यहाँ से एकदम कम चलना पड़ता है, थोड़ा सा सीधी चढ़िए सीधा मंदिर के अंदर। एंड बाल देखिए मेरे यार, इधर उधर एकदम बिखरे हुए, टैंग बैग है, हेलमेट है हाथ में, कैसे मैनेज करते हैं हम लोग बाइकर को ही पता है। मतलब ये टैंक बैग खोलो फिर लो, छोड़ के भी नहीं आ सकते टैंक बैग के अंदर, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो चलिए अभी ऐसे कैम तो मैं लगाऊंगा नहीं, सीधा मिलता हूँ आपको चौरस्ता में। तो ये लीजिए पहुंच गया मैं दार्जिलिंग के चौरस्ता में एंड चौरस्ता कुछ ऐसा दिखता है। 360 दे देता हूँ फर्स्ट में, बहुत ही अच्छा सा एरिया है, यहाँ पे लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, पीछे बच्चे कराटे के ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये रहा। एंड पोनी राइड वगैरह पहले यहाँ पे होते थे, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड अभी जहाँ पे बाइक पार्किंग था वहाँ पे भी नो पार्किंग कर दिया गया है, बस पीछे एकदम खाली खाली सा माहौल है आज, बड़ा ही मस्त नज़ारा है यार यहाँ पे। थोड़ा देर बैठने का मन था लेकिन डर लग रहा है नो पार्किंग में बाइक लगा के रखा हो। एक आदमी से पूछा तो उसने बोला जाओ 10-15 मिनट रहने से कुछ नहीं होगा, तो बस ऐसे छोड़ के आया हूँ। तो दिस इज दी चौरस्ता, उधर भी जाने का मन था, अरे बाइक ऐसे नो पार्किंग में लगा के यार, चलान नहीं कटवाना मुझे। तो अगर आप बाइक चौरस्ता पे लगाते हैं तो ये जो पीछे जो रोड दिख रहा है तो यहाँ से भी आप महाकाल मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से होते हुए थोड़ा चलना पड़ेगा महाकाल मंदिर, यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे। एंड अच्छा है कि आप पीछे ही लगाई पार्किंग में जहाँ पे मैंने लगाया था, वहाँ से आसान होगा आपको। तो फिलहाल यही था चौरस्ता, खाली खाली है अभी, सवेरे का 8 बज रहे तो मतलब ऑब्वियस है उतना भीड़ होगा नहीं। तो चलिए बाइक निकालते हैं एंड निकलते आगे किसी अच्छे से कैफ़े या दुकान में रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो चौरस्ता के बाद मैं आ चुका हूँ दार्जिलिंग स्टेशन में एंड दिस इज दी ब्यूटीफुल दार्जिलिंग स्टेशन। एंड यहाँ पे कुछ स्टीम इंजन रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और डीजल इंजन
लगे हुए यहाँ पे निकलने के लिए रेडी है एकदम। ये पीछे से देख रहे यही है दार्जिलिंग स्टेशन, तो चलिए सामने से ले जाके दिखाता हूँ मैं। तो गाइस चौरास्ता से निकल के मैं आ चुका हूँ सीधा नीचे रोहिणी में, एंड पहाड़ी एरिया जो है पूरा पीछे छोड़ दिया। और वहाँ के बाद जब मैंने कैमरा माउंट नहीं किया था क्योंकि कैमरा में चार्ज नहीं था, तो कैमरा मैंने चार्जिंग के लिए रख दिया था और सोचा कि अब वापस सेम रूट से जाना, सेम चीज़ दिखा के ब्लॉग लंबा करना कुछ फ़ायदा है नहीं, तो सीधा आके यहाँ पे कंटिन्यू किया। यहाँ पे पानी पीने के लिए रुका था तो कैमरा माउंट किया, एंड बस ब्लॉग ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैंने कैमरा माउंट किया है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब जब मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।